आज के इस वीडियो का हमारा टॉपिक है पारितंत्र, जिसे अंग्रेजी में इकोसिस्टम कहा जाता है। तो इस वीडियो के माध्यम से आप पारितंत्र से जुड़े सारी चीज़ों को सीखने वाले हैं, जैसे कि आप सीखेंगे कि पारितंत्र क्या होता है, पारितंत्र का क्या अर्थ है, इसके क्या परिभाषा है इसको जानेंगे, साथ ही साथ पारितंत्र के कौन कौन से प्रमुख घटक है इसके बारे में अध्ययन करेंगे, और पारितंत्र कितने प्रकार के होते हैं, मानव निर्मित पारितंत्र क्या होते हैं, प्राकृतिक पारितंत्र क्या होते हैं, इन सभी चीज़ों का आप अध्ययन करने वाले हैं। तो स्वागत है फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आर्कर स्टडी पे। इस YouTube चैनल के इस वीडियो के माध्यम से एक बहुत ही शानदार और बेहतरीन टॉपिक हम लोग आज सीखेंगे, जो है पारितंत्र। देखिए, पारितंत्र को सीखने से पहले हमें थोड़ा सा ये जानकारी होना ज़रूरी है कि पारिस्थितिकी क्या होता है, इकोलॉजी क्या होता है। हालांकि इकोलॉजी के ऊपर मैंने फुल वीडियो आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर रखा हूँ, अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहाँ इसका मैं लिंक दे दिया हूँ, आप वहाँ से जा करके चेक करके पूरे वीडियो को देखिएगा, पारिस्थितिकी को समझिएगा, इसके बाद आपको पारितंत्र भी अच्छे से समझ में आ जाएगी। देखिए, पारिस्थितिकी हालांकि होता क्या है, इसको मैं थोड़ा सा इसके बेसिक जानकारी मैं इस वीडियो में भी दूंगा, इसके बाद ही हम पारिस्थितिकी तंत्र की ओर बढ़ेंगे। तो देखिए, पारिस्थितिकी क्या होता है, पारिस्थितिकी के बारे में, इकोलॉजी के बारे में आप जानने का प्रयास करिएगा। तो ये एक जीव तथा उसके जो बाहरी वातावरण होती है, यानी कि कोई भी जीव है वह जिस परिवेश में रह रहा है उस परिवेश के साथ उसका क्या संबंध होता है, इसी के बारे में अध्ययन किया जाता है, इसी को हम लोग पारिस्थितिकी इकोलॉजी कहते हैं। ठीक है, जैसे कि सपोज करिए हम जिस परिवेश में रह रहे हैं तो हमारे आसपास कैसा है उसका वातावरण है, कैसा माहौल है, क्या क्या चीज़ें मिल रही है, कैसे हम वातावरण से उपयोग कर रहे हैं, क्या क्या चीज़ें हम वातावरण में दे रहे हैं, तो इन सभी चीज़ों का जो संबंध होता है, जो सक्रिय संबंध होता है, इसी का अध्ययन हमारे पारिस्थितिकी में किया जाता है। ये सिर्फ मनुष्य को लेकर के ही नहीं होते हैं, बल्कि ये सभी सजीवों पर लागू होता है। जैसे यहाँ पर हिरण है, कौवे हैं, चील हैं, मेढक हैं, मछली हैं, सांप हैं, इस तरह से जैसे सूर्य का प्रकाश वगैरह है, सब चीज़ के बीच में जो अननोन क्रिया होती है, आपसी क्रिया होती है, सक्रिय संबंध होती है, इसी का अध्ययन करना ही पारिस्थितिकी कहलाता है, इकोलॉजी कहलाता है। इसको यदि आप ऐसे कह सकते हैं कि पारिस्थितिकी जीव विज्ञान के अंतर्गत आने वाली वह शाखा है जिसके अंदर जीव समुदाय तथा उसके वातावरण के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। यानी कि पारिस्थितिकी जो होता है वो आपके बायोलॉजी का ही एक टर्म है, जिसके अंतर्गत आप कोई भी जीव यानी कोई भी सजीव और उसके परिवेश यानी वो जिस वातावरण में रह रहा है उसके बीच होने वाली सभी अनोन्य क्रिया के बारे में अध्ययन किया जाता है। ये जो पारिस्थितिकी है, इकोलॉजी है, इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग जो है एक हमारे वैज्ञानिक हैं रेटर, इन्होंने 1865 ईस्वी में किया था। इस वाले टर्म को भी आप याद रखिएगा, आपके लिए महत्वपूर्ण है। पारिस्थितिकी की अगर हम परिभाषा की बात करेंगे तो इसको इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं जैसे हैकल ने किए हैं कि जीवधारी के कार्बनिक और अकार्बनिक वातावरण और पारस्परिक संबंधों के अध्ययन को पारिस्थितिकी कहा जाता है। यानी कि कोई भी जीवधारी है या कोई भी सजीव है उसके कार्बनिक संबंध हो या फिर अकार्बनिक वातावरणीय जो आपसी संबंध होती है उसी का अध्ययन क्या कहलाएगा, पारिस्थितिकी कहलाएगा। एक और हमारे वैज्ञानिक है जिनका नाम है ओडम, वे कहते हैं कि पारिस्थितिकी प्रकृति की संरचना एवं प्रक्रिया का अध्ययन है। देखिए, कहीं ना कहीं सभी वैज्ञानिक के परिभाषाओं का अपने अपने मतों का अलग अलग विचार दिए हैं जरूर, लेकिन सबके अगर निचोड़ समझने का एक कोशिश कीजिएगा, प्रयास कीजिएगा, तो एक ही निचोड़ आपको निकल के कि पारिस्थितिकी जो है ऐसा मतलब कि हमारा शाखा है जिसमें सजीव और उसके वह जिस परिवेश में रह रहा है, जिस वातावरण में रह रहा है, उसके बीच की जो भी अनोन्य क्रिया होती है, जो भी सक्रिय भागीदारी होती है, जो भी क्रियाएं होती हैं, उसके बारे में अध्ययन करना ही हमारा पारिस्थितिकी कहलाता है, इकोलॉजी कहलाता है। अब बात करते हैं पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में। तो पारिस्थितिकी तंत्र जो होता है, जिसको हम लोग पारितंत्र के नाम से भी जानते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र लिखा मिले या फिर पारितंत्र लिखा मिले, दोनों एक ही चीज़ होता है। तो पारितंत्र की जो संकल्पना है वो सबसे पहले 1935 में टॉसले नामक वैज्ञानिक ने दिए थे। और पारितंत्र जो है, कभी कभी पूछता है कि आपका बंद तंत्र है या फिर खुला तंत्र है, तो पारितंत्र आपका खुला तंत्र होता है। इसको आप हमेशा याद रखिएगा कि पारितंत्र जो है एक खुला तंत्र होता है। इसको कई बार एग्जाम में पूछता है कि पारितंत्र बंद तंत्र है या फिर खुला तंत्र है, तो आप वहाँ पर जवाब दीजिएगा कि पारितंत्र हमेशा क्या होता है, खुला तंत्र होता है। ठीक है, चलिए अब आगे हम लोग बात करते हैं पारितंत्र के श्रेणी के बारे में, यानी इकोसिस्टम जो होता है इनमें कौन कौन से प्रमुख श्रेणी आते हैं। जैसे उपभोक्ता का नाम आपने सुना होगा, उत्पादक का नाम आपने सुना होगा, डिकम्पोजर यानी कि अपघटनकर्ता का नाम आपने सुना होगा, तो ये सभी चीज़ जो है ना इसी पारितंत्र इकोसिस्टम के श्रेणी में आते हैं। चलिए एक एक करके हम चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं कि पारितंत्र के श्रेणी कौन कौन से होते हैं। तो देखिए, इसको तीन श्रेणी में बांटा गया है।
पहला है आपका उत्पादक, दूसरा आएंगे आपके उपभोक्ता और तीसरा आ जाएंगे आपके वियोजक, जिसको डिकम्पोजर कहते हैं, जिसको अपघटनकर्ता के नाम से भी जानते हैं। तो उत्पादक क्या होता है कि जो सबसे पहले जो उत्पादन करता है, ठीक है, कोई भी चीज़ का उत्पादन करेगा, जो अपना भोजन स्वयं उत्पादन करेगा, उसको हम लोग उत्पादन की श्रेणी में, उत्पादक की श्रेणी में रखेंगे। जैसे कि हरे पेड़ पौधे, हरे पेड़ पौधे किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं रहता है, वो अपना काम अपना खुद कर लेता है। जैसे सबसे बड़ी चीज़ जो होती है किसी पर आश्रित होने का, वह है आपका भोजन। ठीक है, सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है किसी पर डिपेंड रहने का, किसी पर आश्रित रहने का, वो है आपका भोजन। तो हरे पेड़ पौधे जितने होते हैं ना, वो सभी अपने भोजन स्वयं बना लेते हैं, इसीलिए किसी पर आश्रित ये होते ही नहीं है, इसीलिए इसको उत्पादक की श्रेणी में रखा जाता है। अब इस पर जो आश्रित रहेगा, उत्पादक पर जो आश्रित रहेगा, वो आ जाएंगे आपके उपभोक्ता। जैसे कि आप हरे पेड़ पौधे पर देखिएगा कि जो बकरी है वो आश्रित रहती है, तो बकरी क्या आ जाएगी, बकरी आ जाएगी आपके उपभोक्ता की श्रेणी में। किसकी श्रेणी में आ जाएगी, उपभोक्ता की श्रेणी में। हरे पेड़ पौधे उत्पादक कहलाएंगे, बकरी जो है उपभोक्ता की श्रेणी में आ जाएंगी। और जब बकरी मर जाती है, ठीक है, जब आप देखिए कोई भी सजीव मर जाता है तो क्या होता है कि एक समय के बाद धीरे धीरे गायब हो जाता है। तो ऐसा क्यों गायब होता है, क्योंकि वहाँ पर कुछ बैक्टीरिया लगे होते हैं, कुछ फंगस लगे होते हैं, जो क्या करते हैं इसको धीरे धीरे वियोजित कर देते हैं, यानी अपघटन कर देते हैं, जिसको अपघटककर्ता कहते हैं, वियोजक कहते हैं, या फिर अंग्रेजी में डिकम्पोजर कहेंगे। ठीक है, ये कुछ बैक्टीरिया हो सकते हैं, कुछ फंगस हो सकते हैं, या फिर कुछ अन्य सूक्ष्मजीव हो सकते हैं। तो इस तरह से हमने आपको बताया कि पारितंत्र की श्रेणी में तीन प्रमुख श्रेणी आते हैं, एक आते हैं आपके उत्पादक, दूसरा आएंगे आपके उपभोक्ता और तीसरा आएंगे आपके वियोजनकर्ता, यानी कि वियोजककर्ता कहने का मतलब है कि अपघटनकर्ता, डिकम्पोजर। ठीक है, उत्पादक स्वयं अपना भोजन बनाता है, उपभोक्ता उत्पादक पर निर्भर रहता है, और डिकम्पोजर जो है ये उत्पादक को भी नष्ट करेगा। ठीक है, जब पेड़ पौधे भी सूख गल जाते हैं तो उसको देखिएगा कि नष्ट कर देगा, और साथ ही साथ जो सजीव होते हैं, उपभोक्ता होते हैं, उसको भी नष्ट करेंगे। ये दोनों को नष्ट करने का काम करते हैं। और कुछ डिकम्पोजर जो होते हैं ना, वो मतलब कि उपभोक्ता और वियोजनकर्ता दोनों की श्रेणी में आते हैं, जिसको हम अभी आगे बताने वाले हैं। देखिए, अब एक एक करके हम लोग बात करते हैं कि उत्पादक क्या होते हैं, उपभोक्ता क्या होते हैं और वियोजक क्या होते हैं। इन तीनों के बारे में एक एक करके बात करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया है उत्पादक के बारे में, इसके बारे में जानिए। देखिए, ये स्वपोषी होते हैं, क्योंकि मैंने अभी बताया था कि ये किसी पर डिपेंड नहीं होते हैं, अपना काम ये स्वयं करते हैं, और काम कहने का मतलब है कि अपना भोजन ये स्वयं बनाते हैं। तो ये क्या कहलाएंगे, ये स्वपोषी होते हैं। ठीक है, जितने सारे आपके उपभोक्ता के अंतर्गत आएंगे, सॉरी उत्पादक के अंतर्गत आएंगे, जैसे हरे पेड़ पौधे, ये क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं, अपना भोजन खुद बनाते हैं। ठीक है, पेड़ पौधे अपने भोजन बनाने के लिए जो सूर्य का प्रकाश लेते हैं, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में, उसमें से सूर्य के प्रकाश का सिर्फ और सिर्फ 1% भाग का ही उपयोग वो पेड़ पौधे अपना भोजन को बनाने के लिए करते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण आपका पॉइंट है, इसको नोट कर लीजिएगा, BVI कर लीजिएगा, कि पेड़ पौधे भोजन बनाने के क्रम में सूर्य से जो प्रकाश लेते हैं, वह सिर्फ और सिर्फ सूर्य के प्रकाश का 1% भाग ही लेते हैं, 99% भाग को वो छोड़ देते हैं, और 1% भाग लेकर के वो भोजन बनाने का काम करते हैं। ये थे आपके उत्पादक। अब हम बात करते हैं पारितंत्र की श्रेणी में आगे की ओर, उपभोक्ता के बारे में, कंज्यूमर के बारे में। तो जो उत्पादक पर निर्भर रहता है, वही आपके क्या कहलाएंगे, कंज्यूमर कहलाएंगे, यानी उपभोक्ता कहलाएंगे। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि पेड़ पौधे पे बकरी निर्भर करती है, तो बकरी का आ जाएगी यहाँ पर, उपभोक्ता आ जाएगी। उपभोक्ता आपके एक नहीं होते, उपभोक्ता आपके कई तरह के होते हैं, जैसे प्राथमिक उपभोक्ता हो गए, द्वितीय उपभोक्ता हो गए, और तृतीय उपभोक्ता हो गए। उपभोक्ता को भी मैंने यहाँ पर तीन भागों में बांटा है। ठीक है, एक आ जाएंगे प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता और तीसरा आ जाएगा तृतीय उपभोक्ता। अब देखिए, जो पेड़ पौधे को डायरेक्ट खाएगा, जो पेड़ पौधे को, यानी हरे पेड़ पौधे को जो डायरेक्ट खाएगा, पहले बार में ही खा जाएगा, वो आएंगे आपके प्राथमिक उपभोक्ता में, जैसे आपके बकरी। अब जो बकरी को कोई खाएगा तो वो आ जाएंगे आपके द्वितीय उपभोक्ता में। अब जो द्वितीय उपभोक्ता को कोई खाता है तो वो आ जाएंगे आपके तृतीय उपभोक्ता में। इसको थोड़ा सा गौर से समझिए। देखिए, ये हमारा प्राथमिक उत्पादक है, उत्पादक को जो सबसे पहले खाएगा, जो डायरेक्ट खा सकता है, वो आ जाएंगे आपके प्रथम में, इसको मैं एक लिख देता हूँ, प्रथम उपभोक्ता में। और जब प्रथम उपभोक्ता को कोई खाता है तो वो आ जाएंगे आपके द्वितीय उपभोक्ता में, जैसे मनुष्य, हम लोग बकरी को खा जाते हैं ना, ठीक है, मांस बना के, तो क्या है कि ये द्वितीय उपभोक्ता में आ जाएंगे। अब देखिए, ये जो शेर है, ये बाघ है, ये सब क्या करता है कि मनुष्य को भी खा जाता है, तो ये तृतीय उपभोक्ता में आएंगे। ठीक है, देखिए, आप जो उत्पादक को पहले खाया वो प्राथमिक उपभोक्ता, जो प्राथमिक उपभोक्ता को खाएगा वो द्वितीय उपभोक्ता, और जो द्वितीय उपभोक्ता को खा जाएगा वो आ जाएंगे आपके तृतीय उपभोक्ता में। तो ये हमारे उपभोक्ता थे, और उपभोक्ता के प्रकार को मैंने यहाँ पर बताया है। आगे चलिए हम देखते हैं कि वियोजक यानी डिकम्पोजर क्या होता है, अपघटनकर्ता क्या होते हैं। देखिए, अपघटनकर्ता में हमेशा पाइएगा कि ये कुछ सूक्ष्म जीव होते हैं जो मृत्यु होने पर, पौधे की मृत्यु हो, या फिर मनुष्य की, या फिर जंतु की मृत्यु हो, या फिर कोई भी सजीव की, तो जो कुछ सूक्ष्म जीव होते हैं जो
जो मृत्यु होने पर क्या करते हैं कि जैविक पदार्थ को सड़ा गला करके वियोजित कर देते हैं। ठीक है, जैविक पदार्थ को सड़ा गला करके वियोजित कर देते हैं। अब अक्सर देखिएगा कि कोई भी जीव जंतु मर जाते हैं तो कुछ दिन तक वो बदबू करेंगे, फिर एक समय के बाद क्या करती है ना, उनसे गंध निकलती है, और उस जगह पर आप जाइएगा तो देखिएगा कि वहाँ पर जीव गायब है। आखिर वो गायब हुए क्या, होकर के वो गए कहाँ, तो वो यही करता है वियोजक, क्या करता है कि धीरे 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 उसको क्या करते हैं, सड़ा गला करके वियोजित कर देते हैं। ये सफाई करने का काम करते हैं, ये पर्यावरण में यानी हमारे वातावरण में सफाई कर्मी का काम करते हैं। किसका काम करते हैं, ये हमारे वातावरण में सफाई कर्मी का काम करते हैं। ठीक है, सफाई कर्मी का कौन सा सफाई कर्मी का काम करते हैं, तो यही हमारे वियोजक हो जाएंगे, अपघटनकर्ता हो जाएंगे, डिकम्पोजर हो जाएंगे। ठीक है, इसके अंतर्गत जो है बैक्टीरिया आ जाएंगे, कुछ आपके फंगस आते हैं या फिर अन्य कुछ सूक्ष्म जीव आते हैं। ठीक है, एक यहाँ पर मैं आपको टर्म बता रहा हूँ जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि चींटी जिसको आप सभी लोग जानते हैं, इसका तस्वीर भी मैंने यहाँ पर लगा दिया है, इसको देख करके आप पहचान जाइएगा। तो चींटी के बारे में एक महत्वपूर्ण तथ्य क्या है कि जो चींटी होती है ना हमारी, ये जो चींटी है ये प्राथमिक उपभोक्ता में भी आ जाती है और साथ ही साथ ये जो है आपके अपघटनकर्ता में भी आ जाती है। वो कैसे, तो चींटी बहुत से ऐसे चींटी है जो डायरेक्ट पेड़ पौधे से अपना से को मतलब खा करके सेल्युलोज प्राप्त करते हैं। ठीक है, और सेल्युलोज पेड़ पौधे से मिलते हैं, तो यहाँ पर जब सेल्युलोज प्राप्त करेंगे तो वहाँ पर ये प्राथमिक उपभोक्ता कहलाएंगे, क्योंकि पेड़ पौधे को ये डायरेक्ट खा रहे हैं। अब कुछ ऐसे चींटी हैं आप देखिएगा अक्सर कि जो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े मर जाते हैं तो उसको भी वो देखिएगा पकड़ के चींटियों का समूह मिलकर उसको खींच के कहीं दूसरी तरफ ले जाएंगे और वहाँ पर जाकर के धीरे धीरे करके उसको भी खा जाते हैं। इस तरह से आप देखिएगा कि चींटी जो है वह पेड़ पौधे से डायरेक्ट सेल्युलोज भी लेता है, इस हिसाब से प्राथमिक उपभोक्ता में आ जाएंगे, और वही चींटी जो है डायरेक्ट छोटे मोटे कीड़े मकोड़े को भी, मरे हुए कीड़े मकोड़े को भी खाते हैं, तो वहाँ पर ये चींटी जो है अपघटनकर्ता के रूप में आ जाएंगे, यानी डिकम्पोजर के रूप में आ जाएंगे। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो चींटी है वह अपघटन और प्राथमिक उपभोक्ता दोनों श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, जो आपको जानना बहुत जरूरी था। आगे चलिए हम लोग बात करते हैं पारितंत्र कितने प्रकार के होते हैं। आखिर हम लोग यहाँ पर पारितंत्र के घटक को देख लिया, फिर हम बात करेंगे कि पारितंत्र कितने प्रकार के होते हैं। तो आप पाएंगे कि पारितंत्र भी हमारा तीन प्रकार के होते हैं। एक आएंगे आपके स्थलीय पारितंत्र, दूसरा आ जाएंगे जलीय पारितंत्र, और तीसरा आ जाएंगे मानवकृत या फिर मानव निर्मित पारितंत्र। ये जो पारितंत्र है इसमें आप देखिए कि कुछ यहाँ पर आपको स्थलीय में कौन से आ जाएंगे, देखिए स्थलीय में आपके वन आ जाएंगे, जैसे मरुस्थल आ जाएंगे या फिर कुछ घास का मैदान आ जाएंगे, खेत वगैरह आ जाएंगे, ये आपके स्थल पर होने वाले पारितंत्र जो है वो स्थलीय में आएंगे। अब जलीय में क्या आ जाएंगे, नदी आ जाएंगे, तालाब आ जाएंगे, झरना आ जाएंगे, जैसे आपके महासागर आ जाएंगे, सागर आ जाएंगे, समुद्र आ जाएंगे, ये सब नदी में आ जाएंगे। अब मानव निर्मित में कौन आते हैं, तो मानव द्वारा जो निर्मित किया जाता है पारितंत्र वो मानव निर्मित में आते हैं, जैसे कि खेत, धान का खेत कह ले, कोई भी खेत कह ले, या फिर कोई भी कुआं कह ले, ठीक है, या फिर कोई भी छोटा सा तालाब जो मानव खुद निर्माण करता है, तो ये सारे के सारे मानव निर्मित पारितंत्र के अंतर्गत आ जाते हैं। इस तरह से आप पाइएगा कि सागरीय जो पारितंत्र है वह सबसे बड़ा और सबसे स्थिर पारितंत्र होता है। इसको आप वीवीआई कर लीजिएगा, ये सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक है, कि कौन से पारितंत्र जो है सबसे स्थिर पारितंत्र है, ये आपके क्वेश्चन में पूछा जाएगा, तो वहाँ पर आप जवाब दीजिएगा कि सबसे बड़ा और सबसे स्थिर पारितंत्र जो होता है वो सागरीय पारितंत्र होता है, सागर का। ठीक है, सागर का यानी कि जलीय पारितंत्र जो होता है वही सबसे बड़ा और सबसे स्थिर पारितंत्र होता है, और जलीय में भी सागरीय पारितंत्र। ठीक है, नेक्स्ट जो है यहाँ पर थोड़ा सा जान लीजिए कि वन यानी कि पेड़ पौधे का समूह वाला जगह, झील, सागर, घास का मैदान इत्यादि जो है ये प्राकृतिक पारितंत्र हैं, यानी कि जो प्रकृति रूप से हमारे पर्यावरण में उपस्थित हैं वो प्राकृतिक पारितंत्र के अंतर्गत आएंगे। जबकि धान की खेती, मनुष्य धान की खेती करता है तो धान का खेत बनाता है, ठीक है, तो ये आपके कृत्रिम पारितंत्र में आ जाएंगे। जैसे मनुष्य द्वारा निर्माण किया गया छोटा मोटा तालाब, ठीक है, तालाब छोटा मोटा जो मनुष्य इसका निर्माण करता है, गौर फरमाइएगा मेरी बात पे कि हम कहना क्या चाह रहे हैं, अगर मनुष्य इसका निर्माण कर देता है छोटे मोटे तालाब का, तो ये आपके कृत्रिम पारितंत्र में आ जाएंगे, मनुष्य द्वारा निर्मित पारितंत्र के अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है, ये प्राकृतिक पारितंत्र के अंतर्गत नहीं आएंगे। तो आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी कि प्राकृतिक पारितंत्र क्या है, कृत्रिम पारितंत्र क्या है, पारितंत्र क्या था उसके अर्थ में परिभाषा को जाना आपने, और साथ ही साथ पारितंत्र के प्रमुख घटक को भी जाना, कौन कौन से स्तर होते हैं इसको भी जाना, उपभोक्ता को भी जाना आपने, अपघटनकर्ता को भी जाना, उत्पादक को भी आपने जाना। आई होप कि ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। ये वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी, समझ में आई, अथवा कहीं पे कोई समस्या रह गई है, आप हमें कमेंट के माध्यम से बताने का जरूर प्रयास कीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल वाले आइकन को इसलिए प्रेस कर लीजिएगा क्योंकि इस तरह के रोचक, महत्वपूर्ण और उपयोगी वीडियो मैं जब कभी अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। तो इस वीडियो में बस इतना ही था, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए
हमारे चैनल आर्कर स्टडी को धन्यवाद।